हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना, और मैं हूं मनोरमा। आज का जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फिल्मी गानों को लेके। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज से करीब काफ़ी पहले जब शुरुआत में जब फिल्मों में जब गाना स्टार्ट हुआ तो किस तरह के गाने हुआ करते थे, तो उस समय के जो गाने होते थे वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं होता था। जो हीरो या हीरोइन गाना गाते थे, जैसे एक्टिंग करते थे, और जो गाना उन पर फिल्माया जाता था तो वो उनका खुद का गाना होता था, उन्हें खुद ही गाना पड़ता था, और वो प्लेबैक नहीं होता था, वो उनको ऑन द स्पॉट गाना पड़ता था उस वक्त। और जो म्यूज़िक जो बजता, जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट उस समय जो बजता था, जैसे कि हारमोनियम, तबला, ढोलक, उस समय यही बेसिक से इंस्ट्रूमेंट होते थे म्यूज़िकल। तो वो क्या करते थे, जो बजाने वाले जो होते थे कलाकार, वो कोई पेड़ के पीछे, कोई झाड़ी के पीछे छुप कर वो बजाते थे, और जो हीरो हीरोइन जो एक्टिंग करते थे वो ऑन द स्पॉट उसी समय गाते थे, और उसी समय वो सारा रिकॉर्ड हो जाता था। अब आपको मैं एक गाना का मैं एग्जांपल दूंगी। ये अशोक कुमार के टाइम का मतलब उस ज़माने की बात है जब अशोक कुमार काफ़ी यंग हुआ करते थे, और उनकी जो पहली फिल्म थी उनकी वो उसमें उन्होंने देविका रानी के साथ वो उनकी ये जोड़ी बनी थी। तो देविका रानी और वो एक गाना गा रहे थे, और वो गाना बहुत ही फेमस हुआ था। अभी आपको सुनने में बड़ा फनी सा लगेगा, लेकिन उस वक्त जो वो गाना वो लोगों ने गाया है वो ऑन द स्पॉट उनका रिकॉर्डिंग हुआ है। उस वक्त ऑन द स्पॉट वो एक्टिंग करते उन्होंने गाना गाया, और ऑन द स्पॉट उनकी रिकॉर्डिंग हुई। वो गाना मैं आपको गा के बताती हूँ। वो गाना था, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे। तो ये उन लोगों ने खुद ही अपनी आवाज़ में गाया है, अशोक कुमार जी और देविका रानी जी। फिर उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग का ज़माना आया, हीरोइन के लिए कोई और गाना गाता था, प्लेबैक करता था। लेकिन उस ज़माने में कुछ हीरोइनें थीं जो कि अपना गाना वो खुद ही गाती थी, जैसे नूरजहां, सुरैया, तो ये काफ़ी फेमस सिंगर्स थी उस वक्त। एक्टिंग भी करती थी और अपने लिए गाना भी गाती थी। लेकिन उस ज़माने में एक एक्ट्रेस थी जो कि लेजेंड एक्ट्रेस जिसे कहेंगे, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में वो आई, कलर फिल्मों में वो उन्होंने काम किया, और बाद में सीरियल में भी उन्होंने काम किया। मैं बात कर रही हूँ नूतन की। क्या आपको मालूम है कि नूतन जी ने भी एक गाना गाया है अपने लिए, और अगर आप वो गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने और गाने क्यों नहीं गाए, क्योंकि उनके जो उनका जो गाना जो था वो बिल्कुल सिंगर के जैसे कि बिल्कुल मजा हुआ जो सिंगर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने गाया है, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने गाया है गाना। तो आज मैं वही गाना आप लोगों को सुनाऊंगी। आप मेरे गाने के बाद आप ज़रूर गूगल करके देखना, उसमें उस फिल्म का नाम है छबीली, और वो 1916 में वो फिल्म आई थी। तो आज मैं आपको नूतन का गाया हुआ गाना आपके लिए मैं गाने जा रही हूँ। ए मेरे हमसफ़े, ए मेरे हमसफ़े, ले रोक अपनी नजर, ले रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ऐ मेरे हमसफ़र, चांद तारों से पूछ ले या किनारों से पूछ ले, दिल के मारों से पूछ ले, क्या हो रहा है असर, ले रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ऐ मेरे हमसफ़र, मुस्कुराती है चांदनी, छा जाती है
से रोक अपनी नजर ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ये दिल है बड़ा बेसब्र, ऐ मेरे हम सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।